सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको सिखाएंगे लौकी का चित्र एंड बैगन का चित्र कैसे बनाते हैं, जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको आउटलाइन बनानी है। यहाँ पर मैं ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ आउटलाइन बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको लो प्रेशर का यूज़ करनी है, ठीक है, डार्क नहीं बनानी है। तो यहाँ मैं काफ़ी लो प्रेशर का यूज़ कर रहा हूँ, बस आपको रेफरेंस तैयार कर लेनी है कुछ इस प्रकार से। तो चलिए इसको डार्क कर लेते हैं। डार्क करने के लिए यहाँ मैं 10B पेंसिल का यूज़ किया है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो चलिए इसको डार्क कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो फाइनली गाइस, हमारा लौकी का चित्र बनके तैयार हो चुका है। देन मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा इसको कैसे शेडिंग करनी है। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कैसे बैगन का चित्र बनानी है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो गाइस, शेडिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्ज़ाम में, क्योंकि शेडिंग पर भी काफ़ी अच्छा नंबर मिलता है। तो चलिए पहले इसको बना लेते हैं, देन मैं आपको बताऊँगा कैसे इसको शेडिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं काफ़ी लो प्रेशर का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ इस प्रकार की ग्रेफाइट वाली पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जो HB की है। तो चलिए गाइस, इसको भी अच्छी तरह से बना लेते हैं। तो गाइस, अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछनी हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्रश का नंबर वगैरह, पेंसिल वगैरह, जो भी आप पूछना है, पेंट वगैरह, आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसको आगे पार्ट को भी बना लेते हैं। तो गाइस, डार्क करने के लिए मैं यहाँ पे 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ ग्रेफाइट वाली। तो चलिए इसको डार्क कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा इसको कैसे अच्छी तरह से शेडिंग करेंगे। तो चलिए इसको डार्क करते हैं। शेडिंग करने के लिए गाइस, सबसे पहले आपको फर्स्ट लेयर लगानी है। तो फर्स्ट लेयर में आपको सिंपल वाली पेंसिल से आपको कुछ इस प्रकार से शेडिंग कर लेनी है, जो HB पेंसिल होती है। यहाँ पर मैं अप्सरा पेंसिल लिया हूँ HB वाली। तो आपको भी कुछ इसी प्रकार की पेंसिल का यूज़ करनी है। तो ये मेरा फर्स्ट लेयर है, अभी मैं आपको बताऊँगा सेकेंड लेयर आपको कैसे लगानी है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से लगा लेते हैं। तो गाइस, सेकेंड लेयर लगाने से पहले आपको पेंटिंग ब्रश से आपको कुछ इस प्रकार से शेडिंग कर लेनी चाहिए। तो चलिए इसको शेड कर लेते हैं। तो गाइस, ये सेकेंड लेयर है जो मैं अभी फिलहाल कर रहा हूँ। इसके बाद गाइस, मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको डार्क करेंगे। तो चलिए पहले इसको अच्छी तरह से शेडिंग कर लेते हैं, फिर मैं बताऊँगा इसको कैसे डार्क करनी है, ठीक है। तो फाइनली गाइस, हमारा सेकेंड लेयर कंप्लीट हो चुका है। देन मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा थर्ड लेयर कैसे लगानी है। तो थर्ड लेयर लगाने के लिए यहाँ पे मैंने चारकोल पाउडर का यूज़ किया है इसको डार्क करने के लिए। तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, मैं ब्रश के माध्यम से इसको डार्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप चाहे तो चारकोल पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, या तो चारकोल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चारकोल पाउडर का ही यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए इसको भी अच्छी तरह से डार्क कर लेते हैं।
तो गाइस अगेन मैं आपको बता दूं, अगर आपको आर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछनी हो, फॉर एग्जांपल ब्रश वगैरह, ब्रश का नंबर, पेंटिंग वगैरह जो भी पूछनी हो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए इसको भी अच्छी तरह से शेडिंग कर लेते हैं। इसके बाद गाइस आपको चारकोल वाली पेंसिल से कुछ इस प्रकार से डार्क लाइन लगा देनी है आउटलाइन को। तो यहाँ मैं काफ़ी केयरफुली डार्क लाइन लगा रहा हूँ ताकि आउटलाइन इधर उधर ना जाए। तो चलिए इसको भी अच्छी तरह से शेडिंग वगैरह कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस हमारा आर्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।